पबजी मोबाइल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर अनाउंस कर दिया है कि 120 FPS आने वाला है नए अपडेट में, लेकिन इससे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। इस वीडियो में तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर एक पबजी एंड बीजीएमआई प्लेयर के लिए जानना जरूरी है। पहला पॉइंट है प्रॉब्लम विद 120 FPS, यानी अगर 120 FPS आता है तो तुम्हें किस टाइप की और किन तरह तरह की तुम्हें प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ 120 FPS, यानी अगर 120 FPS आता है तो तुम्हें क्या क्या चीजें अच्छी होंगी तुम्हारे साथ और क्या गेम में इंप्रूवमेंट होगा। तीसरा पॉइंट है 120 FPS इन BGMI, मतलब क्या 120 FPS BGMI में आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। फोर्थ पॉइंट है कि क्या 120 FPS फेयर होगा या फिर अनफेयर होगा प्लेयर्स के लिए, मतलब किस हद तक ये लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मतलब किस हद तक फेयर रहेगा गेमर्स के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई 120 FPS की आने की वजह से प्रॉब्लम्स फॉर लो एंड डिवाइस प्लेयर्स, और ये पॉइंट बिल्कुल भी तुम लोग को स्किप नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट तो जरूर से देख कर जाना। और देखो, तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू कौन होता है, हमें पता नहीं वाला। तो भाई देखो, आई एम अ गेमर विद ऑलमोस्ट 15K सब्सक्राइबर्स, मुझे डिवाइसेस का काफी अच्छा नॉलेज है, मैं इसी फील्ड में काम करते हुए आया हूँ, टेक्निकल चीजें बताते आता हूँ डिवाइसेस के बारे में। और देखो, मैंने ना घटिया से घटिया फोन में भी गेमिंग की है ना, जिसमें 20, 30, 40 FPS चले है ना, और एकदम 60 FPS वाले फोन में भी मैंने गेमिंग किया है। जैसे अभी मैं रिसेंटली IQZ9 लिया था खुद के दम पर है ना, खुद के पैसे से, और मेरे पास Infinity G10 Pro भी रहा है जिसके अंदर 90 FPS है, और IQ Neo 7 Pro भी रहा जिसके अंदर 90 FPS है। इनफैक्ट मेरे दोस्तों के पास iPhone रहता है, उसके अंदर भी मैंने 90 FPS खेला है। तो आई डोंट थिंक कि मेरे से अच्छा तुम्हें कोई और बता सकता है, और आई थिंक इतने क्वालिफिकेशन काफी हैं। और ये वीडियो मैं अपने ऑडियंस के कहने पर ही बना रहा हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके तुम लोगों से पूछा था कि क्या तुमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो तुम में से मेरे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि हाँ भैया बनाओ, एंड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाई देखो तुम लोग हो तो मैं हूं। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स से क्या हाल चाल है यार। अब मैं सीधा आता हूं पॉइंट पर, प्रॉब्लम विद 120 FPS। पहला पॉइंट देखो यार, तुम्हें सबसे पहला जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो है तुम्हारा डिवाइस ढंग से 120 FPS को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। मतलब FPS का मतलब होता क्या है, सिंपल सी बात है, FPS मतलब क्या होता है, FPS फ्रेम पर सेकंड। होगा क्या कि तुम्हारा फ्रेम रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा फ्रेम रेट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारा जो फोन है उसकी बैटरी कंजेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लगेगा, और साथ साथ में तुम नोटिस करोगे कि फोन काफी ज्यादा हीट होने लगा है। ये देखो मैं पॉसिबिलिटीज रख रहा हूं, हीट होगा नहीं होगा उसको मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ जहां तक मैंने देखा है 90 FPS में मैंने खेला था, जब तुम 60 से 90 जब स्विच करते हो तो तुम्हारा फोन ज्यादा लोड लेने लगता है, और जब ज्यादा लोड लेता है तो फोन हीट होने लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, तुम्हें एक अच्छा इंटरनेट भी चाहिए पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा फ्रेम रेट बढ़ जाएगा, स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो नेट भी तेज होना चाहिए। और तुम में से जानते हो बहुत सारे लोग जो इंडिया में स्पेशली जो गेमर्स हैं वो लोग, सबके पास वाईफाई नहीं है ब्रो, ठीक है, सबके पास नहीं है, ठीक है, सबके पास सिम है, ठीक है, और सब लोग बोलते भाई पिन आ रहा है। क्यों होता है, जिनके पास जो सिम होता है ना उनके पास उतना फास्ट इंटरनेट नहीं होता है, और होता भी तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो तुम्हें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, पहली बात तुम्हारे डिवाइस ढंग से 120 FPS को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और साथ साथ में ये कुछ प्रॉब्लम्स। सेकंड पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ 120 FPS। देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारा 120 FPS, चलो मान लेते हैं तुम्हारा 120 FPS डिवाइस सपोर्ट कर लेता है, तो फायदे क्या होंगे। देखो, सबसे पहला फायदा ये होगा कि तुम्हें सामने वाला बंदा थोड़ा स्लो दिखेगा, लाइक तुम्हें ना पर मिली सेकेंड तुम्हें एडवांटेज होगा, क्योंकि देखो जिसके पास लो एंड डिवाइस होगा या फिर 60 FPS होगा या चलो 90 FPS भी होगा, तो उसके लिए तो वो तो कवर में भाग चुका होगा, लेकिन तुमको दिखेगा कि भाई वो स्लो जाते हुए दिखेगा, ठीक है। और तुम जानते हो कि गेम में पर मिली सेकेंड भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा फ्रेम रेट्स मिलेंगे, ज्यादा FPS मिलेगा, तो ऑफकोर्स तुम्हें वो बंदा जो है वो उसके लिए तो वो कवर में चला गया, लेकिन तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो कवर में गया नहीं और तुम उड़ा दोगे, तो यही तुम्हारा बेनिफिट होगा सबसे पहला। और दूसरी बात, तुम्हें स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें लगेगा कि भाई कितना स्मूथ चल रहा है, बिकॉज जब 90 FPS आया था तो हमारे लिए भी वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि वाओ कितना सही चल रहा है। और हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक एडवांटेज सा बन जाएगा, और तुम्हारे लिए कभी भी जो फाइट्स होंगे ना उनमें कहीं ना कहीं 50% एक
एडवांटेज रहेगा, एक एक ऐसे ही फ्री फ्रीडम का फोकट का एडवांटेज रहेगा, तुमको बिना टेक्निक लगाए भी तुम आराम से बंदों को टपका सकते हो। अगर सामने वाले के पास 60 fps या 90 fps है या फिर वो लो एंड डिवाइस है तो उसको थोड़ा स्ट्रैटेजी लगा के खेलना पड़ेगा और तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम घुस के भी आराम से मार पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास fps ज्यादा है। थर्ड पॉइंट, 120 fps क्या BGMI में आ सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हैं? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, BGMI हमेशा कॉपी करते हुए आया है, ठीक है, तुम्हें पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, BGMI हमेशा से कॉपी करते हुए आया है पबजी का। मतलब पबजी में कोई नया इमोट आ गया, कोई नया कपड़ा आ गया, कोई नया इवेंट आ गया, तो भाई वो धीरे धीरे, मतलब जो पहले पबजी में आएगा वो धीरे से बोलते ना, अरे भाई ये तो गजब ही है, हेरा फेरी चल रही है, जैसे पबजी ने डाला वैसे BGMI ले आएगा, धीरे लेके आएगा लेकिन लेके जरूर आएगा। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज BGMI में आ सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं, बट हाँ अभी एकदम से जल्दी से नहीं आएगी, पहले पबजी में आएगा, पबजी में चलेगा, उसके बाद आएगा। और तुम्हें पता है यार कि हमारा गेम कितना ज्यादा ही अच्छा ऑप्टिमाइज है, जिसमें भाई ढंग से 90 fps नहीं चल पा रहा है तो 120 fps कहां से ही चलेगा। लेकिन फिर भी 120 fps आने के चांसेस तो हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा इस चीज में। फोर्थ पॉइंट है, इज 120 fps अनफेयर या फेयर? लाइक देखो, सिंपल सी बात है, इसमें अनफेयर फेयर वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है यार कि हर चीज डेवलप होती है, ठीक है, तुम्हें पता ही है, हर चीज AI को देख लो, धीरे धीरे हर चीज डेवलप होती है, और चाहे वो गेम हो या कुछ भी हो, वो अपने आप को लेवल अप जरूर करेंगे। जिंदगी में हर चीज में अगर हमें स्टेबली बढ़ते रहना है आगे, तो हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अगर कोई यूट्यूबर है तो उसे अपनी एडिटिंग स्किल्स, अपना 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 सब चीजें इम्प्रूव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी वो आगे ग्रो कर पाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है, दुनिया बदलती है, ठीक है, दुनिया बदलती है, और जो दुनिया के साथ नहीं बदलता वो वहीं अटके रह जाता है। तो गेम्स भी वैसे ही है, हर चीज़ में तुम्हें आगे बढ़ना है। देखो, ये थोड़ा सा मोटिवेशन से तुम्हें लगा होगा, बड़ा अजीब सा तुम्हें लगा होगा कि भाई इसका 120 fps से क्या कनेक्शन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, इसमें अनफेयर या फेयर वाली बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अनफेयर तो होगा ही, ठीक है, कहीं ना कहीं से अनफेयर होगा, और ये आगे मैं बात करूंगा जो कि लो एंड डिवाइस वालों के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज़ नहीं आ गई, ये क्या करें, वो क्या करें, नई चीज़ आई है उसको तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो उस चीज़ को पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर ये सोचते हो कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, तो तुम जहां वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन हाँ, कुछ भी कहो, 120 fps अनफेयर तो है, मानो या ना मानो 120 fps अनफेयर है, बिकॉज सामने वाले के पास अगर 120 fps है और तुम्हारे पास अगर 60 fps वाला डिवाइस है, तो सिंपल सी बात है, उसे तुम स्लो चलते हुए दिखोगे और वो तुम्हें उड़ा देगा, और सिंपल सी बात है, तुम उसके साथ फाइट्स नहीं ले पाओगे, वो बहुत ज़्यादा अनफेयर सा हो जाएगा और वो तुम्हें इजीली टपका के चल जाएगा। लेकिन ये फेयर हो सकता है अगर एक केस हो जिसमें अगर 120 fps वाले प्लेयर्स अगर मैच स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ 120 fps वाले ही आए, ठीक है, और अगर कोई 60 fps किसी के पास डिवाइस है तो जब वो गेम को स्टार्ट करे तो उसके सामने, उसके जितना भी वो गेम में घुसे, ठीक है, जैसे 100 प्लेयर्स आते हैं ना, वो सबके पास 60 fps ही हो। और ये चीज़ तुमने देखा होगा कि ये चीज़ ई स्पोर्ट्स में भी होते हुए आया है, ठीक है, ई स्पोर्ट्स में तुम रूम का जो होता है ना, एम असिस्ट ऑफ कर सकती हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि जिनके पास 60 fps हो वही खेल पाए, जिनके पास सिर्फ 120 fps हो वही खेल पाए। तो ये एक तरीके की चीज़ है जिसके होने की पॉसिबिलिटीज 50-50 हैं, तो ये भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये फेयर भी है एंड अनफेयर भी है। अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट का, जो कि है प्रॉब्लम फॉर लो एंड डिवाइस, प्रॉब्लम्स जो लो एंड डिवाइस प्लेयर्स फेस करेंगे। देखो यार, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि देखो यार, जब 90 fps आया था तो मैंने पर्सनली अपने खुद दोस्तों को जो कि 40 fps में खेलते हैं, उनको गेम को छोड़ते हुए देखा था। वो लोग बोल रहे थे भाई हम 60 fps वालों के सामने लड़ने नहीं लड़ पा रहे हैं, जिनके पास 20 fps ज़्यादा है, ठीक है, और कहाँ 90 fps। मैं उनकी दर्द को समझ सकता हूँ, जितने भी 20 fps, 30 fps, 40 fps प्लेयर्स देख रहे हैं ना, मैं तुम्हारी दर्द को आराम से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वैसे डिवाइस में खेल चुका हूँ। मुझे 2-3 साल पहले मैंने उस चीज़ को झेला है, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि कहीं ना कहीं ये लो एंड डिवाइस प्लेयर्स के लिए 120 fps बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा, और बहुत सारे लोग जैसे ही 120 fps आएगा गेम में, गेम को छोड़ देंगे। जब 90 fps आया था तो बहुत सारे लोगों ने गेम को छोड़ा था, 120 fps आएगा तो भी छोड़ेंगे। अगर कोई सिस्टम नहीं बैठाया गया कि भाई अगर 120 fps खेल रहे हैं लोग, मतलब जिसके पास 120 fps वाला डिवाइस है, तो उसके साथ जो मैच मेकिंग है वो 120 fps प्लेयर के साथ ही हो, और अगर ये अनफेयर हुआ,
ठीक है, जिस मैच में जैसे अभी तुम लोग देखते हो अनफेरी होते हुआ है, जिसके पास 90 FPS है, मान के चलो मेरे पास 90 FPS है, तुम्हारे पास 40 FPS डिवाइस है, तो ऐसा ही होता है गेम में। तुम्हें 90 FPS वाला बंदा आता है और बिना ट्रिक लगाए, बिना ऐसे घुस के रश करके तुम्हें टपका देता है, और तुम 40 FPS वाले प्लेयर होते हो, बहुत ट्रिक्स लगा के बहुत कुछ करके खेलते हो और मुश्किल से ही 10 में से 2 मैच ढंग से निकाल पाते हो। तो सिंपल सी बात है, लो एंड डिवाइस प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ट्रिक लगा के, बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा, तभी वो 120 FPS वालों को टपका पाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा 20 FPS, 30 FPS, 40 FPS प्लेयर्स के लिए 120 FPS प्लेयर्स के सामने कम्पीट करने का। तो आई होप भाइयों आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मैं किसी को सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट करने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने जो पबजी एंड BGMI प्लेयर है ना, जो दोस्त है तुम्हारे, ठीक है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर चैनल पे नए आ रहे हो, अभी भी नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने के लिए, तुम्हारे भाई ने खुद के दम पे, मतलब तुम लोगों के सपोर्ट से ही अपने 20,000 लगाकर एक नया फोन खरीदा है और उसकी अनबॉक्सिंग, यार मैं तुमसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना तो उस वीडियो को भी जरूर देख लो यार, बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा, प्लीज, ठीक है। तो उस वीडियो का अनबॉक्सिंग देखो, खुद के दम पे ली हुई कोई चीज है, अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपने बहनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज उस वीडियो को देखो, जिस वीडियो का लिंक सामने आ रहा होगा, क्लिक करो और अभी देखो